थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस और 25,000 रुपए के नामी गौमांस तस्कर बदमाश के बीच थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के जयपुरिया चौराहा सेक्टर 62 के पास हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु चलाई गई गोली पैर में लगने के कारण एक बदमाश सोनू कसाई पुत्र मुमतियाज निवासी गाजीपुर दिल्ली को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के कब्जे से 2 धारदार हथियार, बांका, 1 अवैध तमंचा और 3 जिंदा कारतूस, 2 खुका कारतूस और 1 चोरी की बाइक बरामद की गई है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बदमाश थाना सेक्टर 58 से गौवध के मुकदमे में एक्शन चल रहा था, उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। दिनांक 17/3/2022 को थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा उक्त बदमाश का एक अन्य साथी पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बदमाश सोनू के ऊपर अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों में गौकशी के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। उक्त बदमाश यूपी NCR क्षेत्र में गौमांस का सबसे बड़ा तस्कर है। बदमाश के आपराधिक इतिहास और अन्य जानकारी ली जा रही है। 6 फरवरी को ACP सेकंड और सेक्टर 58 इंस्पेक्टर की टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली थी, जब इन लोगों ने एक फेमस इंटरस्टेट गौतस्कर गैंग को पकड़ा था। ये लोग NCR में तमाम जगहों पे जाके गौतस्करी करते थे और गोमांस यहाँ NCR में सप्लाई करते थे। 3 लोग मौके से पकड़े गए थे और लगभग 6 क्विंटल गोमांस हम लोगों ने उस समय वहाँ से इनकी पोजीशन से रिकवर किया था। उन जो 3 पकड़े गए थे उन लोगों से पूछताछ की गई थी और उसमें 5 लोगों के नाम आए थे और ये बाकी 5 उस गैंग के सदस्य थे। इनके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने उस 5 में से एक इनामी अपराधी को पकड़ा था। आज पुनः हमारी टीम को टिप ऑफ थी, किसमें से जो मेन जो खरीदने वाला है जिसका नाम सोनू कसाई है, ये अपना नाम बदल बदल के अपराध करता है। सोनू कसाई ये गाजियाबाद में इसके मुकदमे हैं, बाकी अन्य डिस्ट्रिक्स में भी इसके ऊपर मुकदमे हैं। इसको मुंशी भी कहा जाता था, मुंशी भी अपना नाम बताता था, ये रियाज भी अपना नाम बताता था, तरह तरह से नाम बदल के ये जेल गया है। इसके ऊपर लगभग 4-5 मुकदमे हैं और हमारे यहाँ से ये 25,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर था। हमारी टीम को पता था, हम लोगों ने जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस जगह पे हमने घेराबंदी की थी। ये इसे क्रॉस कर रहा था, हम बाइक पे था और हम लोगों ने जब घेराबंदी की तो इसने हमारी टीम पे अटैक किया था। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ था, तत्काल इसको हम लोगों ने भेजा है और उसके बाद इसके पोजिशन से बाइक मिली है, बाइक के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और बाइक के पीछे इसने एक बोरे में पुनः जो गोकसी करने वाले हथियार थे वो रखे हुए थे। हम लोग इससे अभी और भी पूछताछ कर रहे हैं। बाकी जो अन्य लोग हैं इसमें जो बचे हुए हैं उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई है, हमने वैधानिक कार्रवाई की। ठीक है सर। अतीक मलिक की रिपोर्ट।